बफे में आप सबके सामने एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ। और ये रेसिपी एक डेजर्ट है। इस रेसिपी का नाम चोको वॉलनट फज है। ये बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी बहुत पसंद आती है, जो कि लोनावला की फेमस है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं रेसिपी। इस रेसिपी को बनाने के लिए चलिए पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट डालेंगे। मैंने मिल्क पाउडर, शुगर और हाफ कप पानी डाल करके इसको मिक्स कर लूंगी। अभी गैस की फ्लेम ऑफ ही रखेंगे, पहले इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। मैं कंडेंस मिल्क बना रही हूँ। पहले ये मेरा मिक्सर अच्छे से मिक्स हो गया है, सारा चीज आपस में, कोई लम्स ना हो ये देखेंगे। अब इसके बाद गैस ऑन करेंगे। इसे लगातार चलाते रहेंगे जिससे कंडेंस मिल्क लगे नहीं नीचे। ये देखिए गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इसे लगातार चलाते रहेंगे। और इसमें बेकिंग सोडा डाल रही हूँ मैं 2 पिंच। गैस धीमी कर देंगे और लगातार चलाते रहेंगे। ये हमारा कंडेंस मिल्क ऑलमोस्ट रेडी है। अब मैं इसमें बटर डालूंगी। आज धीमी कर दिया है मैंने, थोड़ा सा बटर डालूंगी पहले। आज धीमी पे ही बनाएंगे इसको, तेज आंच नहीं करेंगे नहीं तो नीचे लग सकता है। ठीक होना शुरू हो गया है। अब मैंने थोड़ा सा हाफ टी स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, उसे पानी थोड़ा सा मिक्स करके इसमें डाल लेंगे। आंच धीमी ही रखेंगे। ये देखिए हमारा कंडेंस मिल्क तैयार हो गया है। तो अब मैं इसमें ये कोको पाउडर लिया है, कोको पाउडर डालूंगी। ये इंस्टेंट के लिए है कि कभी कभी हमारे पास चॉकलेट नहीं होती है, और अगर चॉकलेट है तो चॉकलेट को बटर में मेल्ट करके डाल सकते हैं, डार्क चॉकलेट को। मेरा कोको पाउडर इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अब मैं इसमें बटर डालूंगी। जैसे ही ये गाढ़ा होना स्टार्ट कर दे, ये देखिए गाढ़ा होना स्टार्ट कर दिया है। अब मैं इसमें वॉलनट डालूंगी जो मैंने पीस के रखा है। आप इसकी जगह एलमंड भी ले सकते हैं। धीमी आंच पे लगातार चलाएंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो। लगातार चलाते रहेंगे, बस अब ये होने ही वाला है, ऑलमोस्ट हो गया है। ये देखिए बिल्कुल रेडी है ये। अब गैस बंद कर देती हूँ और वॉलनट डाल देती हूँ जो मैंने अलग से बड़े बड़े पीसेस में काटे हैं। हमारा फर्स्ट तैयार हो चुका है। ये देखिए बहुत
अच्छा बना है फज। और जिस भी बर्तन में आपको इसको सेट करने के लिए रखना है वो आप ले सकते हैं। मैंने ये लिया है, इसमें मैंने ग्रीस कर लिया है, तो मैं इसे फज को इसमें डाल देती हूँ सेट होने के लिए। मैंने इसमें फर्स्ट डाल दिया है मोल्ड में और थोड़ा सा टैप कर दूंगी जिसमें एयर बबल ना रह जाए, और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा ऊपर से वॉलनट डेकोरेट करने के लिए लगा दूंगी। उसके बाद करीब एक घंटे के लिए इसको सेट होने के लिए छोड़ दूंगी। एक घंटा हो गया है, अभी हमारा फर्स्ट जो है ये सेट हो चुका है। तो इसे खाइए और खा के मुझे बताइए आपको कैसा लगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू।